नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ 11 के अंदर इस तरह का डिज़ाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। और ये ट्यूटोरियल खास तौर से उन लोगों के लिए है जो लोग बेसिक एडवांस कुछ डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला डिज़ाइन, देखिए गौर से ज़रा देखिए ये वाला डिज़ाइन, इस तरह का डिज़ाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर। थोड़ा सा और मैं इसे ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं। इस तरह का एक रूफ रहेगा, ऊपर में इस तरह का टेक्स्ट लिखा होगा, इस तरह का डिज़ाइन हम कैसे क्रिएट करेंगे कोरल ड्रॉ के अंदर। सिंपल और इजी टेक्निक क्या है, देखिए इस तरह का डिज़ाइन एक बार गौर से फिर से देख लिए। बैकग्राउंड में देखिए इस तरह का बैकग्राउंड है, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं एक इस तरह का बॉक्स बना हुआ है और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये वाला भी सेम टू सेम उसी तरह का डिज़ाइन है। तो इस तरह का चलिए डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिलहाल इस डिज़ाइन को मैं ज़रा साइड में रख देता हूँ, ये मैं थोड़ा साइड में रख दिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोरल ड्रॉ को ओपन करना है, उसके फाइल में जाना, उसके बाद न्यू एक नया पेज लेना है। उसके बाद आपको जो काम करना है, आप ये टूल बॉक्स में देखिए, गौर से देखिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर आपको क्लिक करना है और पेज के अंदर या बाहर कहीं भी पहले डिज़ाइन आप बना लीजिए। उसके बाद आप जब प्रिंट आउट कीजिएगा तो आप उसे पेज में ला के रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल सा छोटा सा एक इस तरह का रेक्टेंगल बॉक्स बनाया, ऐसे थोड़ा सा खाली कर देता हूँ। ये राइट हैंड साइड में कलर का पैलेट है, अगर इसमें फिल का कलर आपको खाली करना है तो ये जो ऊपर देखिए क्रॉस है लेफ़्ट क्लिक कीजिए तो बॉक्स खाली हो जाएगा। फिल करने के लिए आपको लेफ़्ट क्लिक, कलर पे लेफ़्ट क्लिक करते हैं, आउटलाइन कलर करने के लिए राइट क्लिक, ये याद रखिए। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है, अब इसको क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसका आउटलाइन को भी अगर मोटा करना है, थिकनेस करना, ज़्यादा थिक करना ठीक नहीं रहेगा। ये देखिए इसका ठीक हो गया। अब आपको क्या करना है, अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए, जाने के बाद यहाँ पे देखिए ये जो टेक्स्ट टूल है ठीक उसके नीचे ये वाला टूल है, इसमें देखिएगा टेक्स्ट टूल के ठीक नीचे वाला जो टूल है इसमें देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल आपको ब्लैक रंग का आपको एक बटन दिखाई देगा, उस पर प्रेस करके रखिए तो बाकी टूल्स उभर कर आ जाएगा। तो यहाँ बहुत सारे टूल्स हैं, तो ये वाला टूल इंटरेक्टिव एक्स टूल जो है उस पर क्लिक कीजिए और बॉक्स को पहले रेक्टेंगल बॉक्स को जो ड्रॉ किया उसे आपने सेलेक्ट किया है, उसे सेलेक्ट करके इस तरह ड्रैग कर दीजिए, इस तरह नॉर्मल से इसको राइट हैंड साइड में इस तरह ड्रैग कीजिए। ये देखिए इस तरह का बॉक्स तैयार हो जाएगा, ये देखिए इस तरह का बॉक्स आपको तैयार करना है। फिर से दिखाता हूँ मैं आपको, सिंपल क्या करना है, आप टूल बॉक्स में जाएँ और ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल इस पर क्लिक कीजिए और नॉर्मल से इस तरह एक बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह ड्रॉ कीजिए। अब इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं, फिल कर दिया। करने के बाद आपको क्या करना है, फिल करना बहुत ज़रूरी है, देख लीजिए फिल इस तरह फिल कर दीजिए, कलर पैलेट में जाइए और लेफ़्ट क्लिक कीजिए, फिल कर दीजिए। उसके बाद अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं और ये जो टेक्स्ट टूल है ठीक उसके नीचे ये वाला टूल है उस पर क्लिक कीजिए। अगर यहाँ पे इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल नहीं है तो इसी टूल के अंदर ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पर कर्सर रखिए इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल, इस पर क्लिक कीजिए और इस तरह का ड्रैग कर दीजिए, इस तरह का थोड़ा सा राइट हैंड साइड में इस तरह ड्रैग कर दीजिए, इस तरह आपको ड्रैग करना है, ये देख सकते हैं इस तरह आप ड्रैग कीजिए। तो देखिए इस तरह का एक बॉक्स तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल है इसको आप जो क्लिक करके रखें इस तरह, उसके बाद देखिएगा ऊपर उसका प्रॉपर्टी बार कुछ इस तरह नज़र आएगा। देखिए ध्यान से जो भी टूल पर आप क्लिक करेंगे उसका प्रॉपर्टी बार ऊपर में आपको दिखाई देगा, इस तरह इसका प्रॉपर्टी बार है एक्सट्रूड टूल का। उसके बाद थोड़ा सा राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर तीन आपको कलर के लिए यहाँ पर तीन टूल आपको दिखाई देगा, ये वाला जो टूल है कलर के लिए कर्सर रखिए उस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पे तीन कलर का तीन ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यूज सॉलिड और दूसरा है एक यूज कलर शेडिंग, इसको क्लिक कीजिए। करने के बाद तो आपको देखिए यहाँ पे शेडिंग इस तरह का आपको दिखाई देने लगेगा, ध्यान से देखिए इस तरह का, यहाँ पे ऊपर में जो ब्लू कलर रहने दीजिए और नीचे ब्लैक ही रहने दीजिए, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। इसे आप थोड़ा सा ड्रैग करके इधर भी कर सकते हैं, इस तरह बॉक्स तैयार हो गया। उसके बाद पिक टूल उस पर क्लिक कीजिए तो देखिए इस तरह का बॉक्स आपको तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, अगेन आप टूल बॉक्स में जाएं और ये जो टेक्स्ट टूल है उस पर क्लिक कीजिए और जो आपको लिखना है वो आप कहीं भी लिख सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया, क्लिक करके मैं लिख देता हूँ कुमार, कैप्स लॉक में लिखना होगा,
ये मैंने लिख दिया कुमार। लिखने के बाद अगेन आप पिक टूल पे क्लिक कीजिए और जो आपने लिखा हुआ है टेक्स्ट उसके कॉर्नर में राइट हैंड साइड में माउस पॉइंटर रखिए और इस तरह ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए अब इस टिक ये जो आपने लिखा हुआ है इसे आपको क्या करना है, जब इस पर आप पिक टूल से क्लिक करेंगे ऊपर देखिएगा यहाँ पर उसका प्रॉपर्टी बार दिखाई देगा, यहाँ पर बी लिखा हुआ बोल्ड कर दीजिए, इस तरह बोल्ड हो गया। अब बोल्ड होने के बाद इसका एक डुप्लीकेट और बना लीजिए, बेस्ट रहेगा, इसका थोड़ा डुप्लीकेट एक और रख लीजिए। तो इसका डुप्लीकेट करने के लिए अगेन आप मेन्यू बार में जाएं, एडिट में जाएं, यहाँ देखिए डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, एक और डुप्लीकेट इसका तैयार हो गया। करने के बाद ये जो टूल है ये वाला, ये सॉरी ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसे भी आपको क्या करना है मैं दिखाता हूँ। इसको अगेन आप टूल बॉक्स में जाएँ, उसके बाद ये जो टूल है इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल उसे अगेन क्लिक करें और यहाँ क्लिक करने के बाद इस टेक्स्ट को भी आप इस तरह ड्रैग कर दें, हल्का सा इस तरह ड्रैग कर दें, ये देखिए, और इसको कलर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसका आउटलाइन के लिए भी कलर कर दें, ये कलर कर दिया मैंने, जो कलर आपको अच्छा लगे कर दीजिए, इस तरह ड्रैग कर दीजिएगा, उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे लाके इसको रख दिया, ये देखिए यहाँ रख दिया। रखने के बाद ये जो आपने जो ये जो टेक्स्ट जो डुप्लीकेट किया था उसको आपको क्या करना है, उसको क्लिक कीजिए, उसके बाद अगेन टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ इंटरेक्टिव एक्सटूल टूल में जो ये बाकी जो टूल है उसी के अंदर जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और टूल है जिसका नाम है इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल, उस पर क्लिक कीजिए और जो डुप्लीकेट किया हुआ टेक्स्ट है जैसे आपने कॉपी किया था उसको आप इस तरह शैडो हल्का सा लाइट आपको शैडो इस तरह ड्रैग कर देना है। ये ऑप्शन आएगा ड्रॉप शैडो ओवर स्पॉट कलर, ओके कर दीजिए, ये देखिए शैडो आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो टूल है ये जो आपने टेक्स्ट जो लिखा हुआ था उसको आपको इसके पीछे रखना है इस तरह करके, ये देखिए ऊपर रख दिया। और बेस्ट यही है ये जो आपने टेक्स्ट जो इसके इसके ऊपर रखा है इस बॉक्स के ऊपर रखा हुआ है रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर, इसे थोड़ा पीछे करना है ताकि ये जो दिखाई ना दे, जो थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा उभर कर आ गया ऊपर, इसे पीछे भेजना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन आप मेनू बार में जाइए, अरेंज में जाइए, ऑर्डर में जाइए, उसके बाद ऑर्डर के सब मेनू में जाएंगे, सेंड टू बैक, टू बैक पे क्लिक कर दीजिए, बैक हो गया, देखिए पीछे चला गया। अब ये जो शैडो वाला है उसे लाके इस तरह इसके ऊपर रख दीजिए, स्टिक्स के ऊपर, ये देखिए शैडो आ गया। इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये मैंने कलर चेंज कर दिया, ये देखिए कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। तो हल्का हल्का आपको शैडो भी दिखाई देगा प्लस ये वाला भी दिखाई देगा। इसमें आप जो कलर आपको अच्छा लगे, आपको लगता है कि नहीं ये कलर अच्छा नहीं है तो वाइट कर सकते हैं, वाइट कर दीजिए। इसका आउटलाइन अगर येलो करना आउटलाइन येलो कर दीजिए, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद जहाँ तक ये बैकग्राउंड का सवाल है उसके लिए क्या कीजिए, अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए, एक रेक्टेंगल टूल पे क्लिक कीजिए और इस तरह का एक बॉक्स इस तरह ड्रॉ कर दीजिए, ये मैंने बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स में आप कलर फिल करने के लिए लेफ्ट क्लिक कीजिए, कलर का कोई सा भी कलर ले लीजिए बेस्ट आपको जो अच्छा लगे, ये कलर फिल कर दीजिए, कलर का पैलेट है उसमें आप लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा कलर हो जाएगा। और इसका जो आउटलाइन है, आउटलाइन का आप नहीं चाहते आउटलाइन नहीं रहे तो अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए और ये ऊपर देखिए एक बॉक्स दिखाई देगा क्रॉस का, उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, माउस का राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन इसका चला जाएगा। उसके बाद अगेन आप टूल बॉक्स में जाइए, जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला जो टूल नीचे आइए, सबसे लास्ट टूल में जाइए, सबसे नीचे टूल बॉक्स का सबसे लास्ट वाला टूल है इंटरेक्टिव फिल टूल, ये देखिए ये वाला टूल इंटरेक्टिव फिल टूल में क्लिक कीजिए, उसके बाद इस तरह ड्रैग कर दीजिए। इस तरह अगर ड्रैग करेंगे तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा, इसको आप इस तरह चाहे तो घुमा सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे इस तरह कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे इस तरह कर सकते हैं आप। लेकिन बेस्ट यही है कि इसको वाइट वाला नीचे रखिए, ऐसे आप अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, ये देखिए थोड़ा सा वाइटनेस आएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह का कर दीजिए। अब ये हैंडल है बीच में, जितना ज़्यादा जिधर चाहिए यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप जिस टूल पे भी क्लिक कीजिए उसका प्रॉपर्टी बार यहाँ पे आ जाएगा, वाइट नहीं करके आप दूसरा कलर भी चूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आपका मर्जी है, आप ब्लू भी कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं जो अच्छा लगे आपको, यहाँ पर ब्लू कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो बाद में भी इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा वाइट ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद पिक टूल पे ये जो पहला वाला टूल है पिक टूल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद ये जो आपने बैकग्राउंड बना रखा है इसे पीछे कैसे देंगे उसके लिए अगेन आप मेनू बार में जाइए, अरेंज में जाइए, ऑर्डर में जाइए, उसके बाद सेंड टू बैक कर दीजिए, ये देखिए दिख रहा है। अब इसे आप इस तरह ड्रैग करके इस तरह इसे आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए इसका जो पॉइंट है आप यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए
और बैकग्राउंड पसंद नहीं आ रहा तो अगेन आप ये टूल बॉक्स में जाइए, इंटरेक्टिव फिल टूल में उसमें क्लिक कीजिए, अगर यहाँ से चेंज कर दीजिए वाइट कलर, ये देखिए ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए आप जो आपको अच्छा लगे इधर से आप ड्रैग कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जिधर से भी आप अच्छा लगे ड्रैग कर दीजिए, उसका इस तरह का कलर का इफेक्ट आ जाएगा, खूबसूरत लगेगा, लेफ्ट राइट जैसे आपको अच्छा लगे, ये देखिए जैसे आप मूव कर दीजिए, मतलब जिधर भी मूव कीजिएगा इस तरह का कलर का इफेक्ट आ जाएगा, इसको ऊपर नीचे जिधर चाहिए आप इसे शिफ्ट कीजिए, इसे घुमाइए इस तरह, देखिए ड्रैग कर दीजिए थोड़ा वाइटनेस आएगा इस तरह, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये देखिए थोड़ा सा मैं ऐसे, ये देखिए ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, तो इस तरह का इफेक्ट आप ये देखिए दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से देखिए, इस तरह का इफेक्ट आप ईजिली आप कोल्ड्रो 11 के अंदर इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपको क्रिएट करके दिखाया, ये बेसिक एडवांस डिज़ाइन है, जो लोग नए हैं वो लोग इस तरह का डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग दिखेगा आपको, तो देखिए जो पहला वाला डिज़ाइन मैंने दिखाया था, देखिए ये वाला आपको दिख रहा है, हल्का सा शैडो दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम इसी तरह है, सिर्फ इसका फोरग्राउंड का ये देखिए ये वाला आपको कलर थोड़ा चेंज है या वाइट कर दिया, थोड़ा बैकग्राउंड के साथ अच्छा लगेगा, ये वाला जो डिज़ाइन ये जो मैंने बनाया ये देखिए इस तरह का, और ये जो मैंने पहले से बना रखा है देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ, ये देखिए ये वाला डिज़ाइन सेम टू सेम उसी प्रोसेस में बनाया हुआ है डिज़ाइन, ये वाला प्लस उसके बाद में ये वाला तो पहले से मैंने बना रखा, अभी आपको दिखाया ये वाला बना के, तो सिंपल है, इस तरह का भी इजीली आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए, और धन्यवाद।